हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वीकेंड का वार आने वाला है, और ऐसे में अगर मानते तो हमारे सूत्रों के हिसाब से जो है इस बार वीकेंड के वार पे जो करण जौहर जी हैं, यानी हमारे केजो जो है वो क्लास लगाने वाले हैं नेहा भसीन की। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से नेहा भसीन यहाँ पर डबल गेम खेल रही हैं, वो जब टाटा वाले ग्रुप में होती है तो वो वहाँ पर बाटा वाले ग्रुप की पूरी तरह से बैक बीचिंग करती हुई दिखाई देती हैं, पर जब वो बाटा वाले ग्रुप में होती है तो उनका जो फेस है वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर जो डबल फेस मुझे दिखाई दे रहा है पूरे गेम में, वो मुझे दिखाई दे रहा है नेहा भसीन को। और इसी चीज को लेकर जो है करण जौहर आने वाले वीकेंड के बारे में लगाने वाले हैं उनकी क्लास। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आज अक्षरा और जिशान के बीच में जो भी फाइट हुए उसमें कौन गलत है कौन सही है, आपके हिसाब से इसमें कौन सही है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर दोनों की ही गलती है, क्योंकि जिस तरह से अक्षरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो हर लड़ाई में ना विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है कि लड़का लड़की हम भोजपुरी ये वो, क्योंकि जिशान ने अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं बोला था उनको, लड़का लड़की लेकर कुछ नहीं बोला था। और सुबह से वो उनको बोल भी रहा था कि आप जो है अपने बैग्स वहां से हटा लीजिए, आप अपने बैग्स वहां से हटा लीजिए। हाँ, लेकिन जिशान को एक होता है ना कि किसी तरीके से एक होता है कि बार बार किसी चीज को बोलना, बार बार किसी चीज को टॉलरेट करना, तो सामने वाला बंदा उस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाता, नहीं ले पाता। ऊपर से फिर आप आकर अक्षरा को बोल रहे हो कि भाई मैंने तुम्हारे बैग फेंक दिए हैं। एक चीज होता है कि मैंने तुम्हारे जो बैग है वो सोफे के पीछे रख दिया, और एक होता है बोलना कि मैंने तुम्हारे बैग फेंक दिया है। अगर मुझसे भी कोई कहेगा कि मैंने तुम्हारे बैग फेंक दिया तो भैया मैं भी पता नहीं उस टाइम पर क्या करूंगी, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर आज थोड़ी थोड़ी गलती थी जो मुझे अक्षरा और जिशान दोनों की लगी, लेकिन यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश कौन करता है यार? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शमिता शेट्टी जी की, तो शमिता शेट्टी को ये क्यों लगता है कि यार मेरे ग्रुप का बंदा वहां पर जा रहा है, और इस चीज से ना उनको बहुत जालिसी होती है। आपने देखा होगा जब जिशान और अक्षरा की लड़ाई हुई थी और ये सारे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो वहां पर जब मिलिंद जब अक्षरा की टीम में बैठे हुए थे, तो इस चीज से भी शमिता शेट्टी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये मिलिंद पागल हो गया क्या, ये उसका साथ दे रहा। अरे जिस बंदे को जो सही लगेगा वो उसका साथ देगा ना, तुम्हें जिशान सही लग रहा है तुम जिशान के साथ बैठे हो, उसे अक्षरा सही लग रही है वो अक्षरा के साथ बैठा है, तुम्हें इस चीज से क्या प्रॉब्लम है? फिर थोड़ी देर बाद जब करणनाथ जी आते हैं तो करणनाथ को बोलती कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई, तुम वहां क्या कर रहे थे? तो करणनाथ ने बोला, सही जवाब दिया उसने कि गलती जो है वो दोनों तरफ से थी। तो शमिता शेट्टी जी चाहती है कि मेरे हिसाब से जो मेरी टीम के बंदे वो मेरे हिसाब से चले और मेरे साथ ही रहे। अगर वो गलत है, मतलब अगर शमिता शेट्टी गलत का साथ दे रही है, तो उनके जो पार्टनर है साथ में रहने वाले वो भी गलत का साथ दे, ये इंटेंशन तो मुझे शमिता शेट्टी की साफ साफ दिखाई देती है। और बात करें इनकी कैप्टेंसी की, जिशान और दिव्या जी की कैप्टेंसी की, तो यार हर चीज में ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो टाटा वाली टीम में अगर कोई कैप्टन बनता है ना, तो वो पूरी तरह से बाटा वाली टीम को जो वो टारगेट करते ही करते हैं पूरी तरह से। अब जैसे किचन को ही ले लो, सारा लड़ाई झगड़ा हो गया, सब सॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद जब अक्षरा खाना बना रही होती है, जिशान आकर उनसे कुछ करता है बहसबाजी, उस टाइम पर तो दिव्या और शमिता जो है अक्षरा के सगे हो जाते हैं कि भाई नहीं जिशान तू जा यहाँ से, और वो ऐसे ही कर रही है, वो ऐसे ही खाना बना रही है, और फिर जाकर अंदर सारे बैठकर उनकी बैक बीचिंग कर रहे हैं कि चलो अब रिधिमा अब हमारी टीम में नहीं रही है, रिधिमा बाटा की टीम में चले गई, तो अब रिधिमा की क्लास लगाते हैं और रिधिमा को किचन एरिया में डाल देते हैं, और ऐसा बंदा डालेंगे जो रिधिमा की वहां पर हेल्प ना करे। तो यार यहाँ पर ये फ्रेंडशिप, मतलब इतने सीजन हमने देख लिए, लेकिन लॉयल्टी हमने देखी है लोगों में, फ्रेंडशिप में लॉयल्टी देखी है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो लोग उनको सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो टाटा वाली टीम है ना, ये मुझे बहुत गंदा गेम खेलती हुई नजर आ रही है। मतलब अगर कोई इनका साथ दे रहा है तो वो इनका फ्रेंड है, लेकिन अगर उसको सामने वाली टीम अच्छी लग रही है, सामने वाली टीम का पॉइंट सही लग रहा है, तो फिर एकदम से मतलब जो है गेम पलट जाता है, और जो दिव्या फिर करण जौहर के सामने बैठ के फिर ऐसे भोली बन जाएगी। हाँ करण, मैंने ऐसा कब कहा, मुझे क्लिप दिखाओ प्लीज। तो मतलब जो टाटा वाली टीम है ना, जिस तरीके से वो गेम खेल रहे, वो मुझे बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है यार, गेम खेल रहे हो वो एक अपनी जगह, लेकिन थोड़ी तो लॉयल्टी रखो अपने फ्रेंड्स के लिए। जब आप बोलते हो चिल्ला चिल्ला के कि रिधिमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है, पहले आप शमिता को बोलते थे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बाद में आकर ना सारा गुड़ ओवर कर देते हो तुम सारे के सारे। तो इससे अच्छा तो मुझे बाटा वाली टीम लग रही, कम से कम वो लॉयल तो है अपने दोस्तों के लिए, अपनी फ्रेंडशिप के लिए। रूबीना थी, रूबीना जिसको अपना फ्रेंड बना लेती थी उसके लिए लॉयल होती थी, चाहे वो गलत होता था चाहे वो सही होता था, लेकिन ये टाटा वाली टीम तो पूरी की पूरी मुझे गद्दार टीम लग रही है, एकदम उड़ा दो इस पूरी टीम को। टिचका, चलो दोस्तों मिलते हैं कल के रिव्यू में।